वेलकम टू गस्सी एकेडमी। आज हम लोग देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किरचॉफ लॉ। ठीक है, किरचॉफ लॉ में दो नियम हैं, दो लॉ हैं उसके। पहला है केबीएल और दूसरा है केसीएल। केसीएल और केबीएल, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे किरचॉफ लॉ। क्या देखेंगे, किरचॉफ लॉ। इसमें दो होते हैं, एक होता है केसीएल और दूसरा होता है केवीएल। इनके दो नियम हैं, किरचॉफ के दो नियम हैं। केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ, केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो पहले हम लोग देखेंगे आज केसीएल। तो केसीएल में किरचॉफ ने ये कहा कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इन ए जंक्शन आर नोड इन इलेक्ट्रिक सर्किट इक्वल टू जीरो। दैट मीन ऑल अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इन ए जंक्शन आर नोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मीन केसीएल में कहा गया कि एक नोड हो या जंक्शन हो, यहाँ पे आने वाली और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। किरचॉफ करंट लॉ में कहा गया कि किसी भी विद्युत सर्किट के जंक्शन या नोड पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, अगर ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है। ठीक है, जो आ रही हैं उनको हम पॉजिटिव ले लेंगे, जो जा रही हैं उनको नेगेटिव लेते हैं। तो दैट्स मीन जो जा रही हैं नोड की तरफ, कौन कौन सी जा रही हैं, I3 I4 नोड से जा रही हैं, मतलब I3 प्लस I5 पॉजिटिव ले लिया, और माइनस क्या हो जाएगा, तो दूर जा रही हैं नेगेटिव, क्या हो जाएगा, I1 माइनस I4 और माइनस I2 इक्वल टू क्या, जीरो। मैंने क्या कहा कि समेशन ऑफ ऑल करंट इन ए नोड आर जंक्शन इक्वल टू अलजेब्रिक सम क्या होता है, जीरो। सपोज द समेशन ऑफ करंट IK के इक्वल टू क्या, n इक्वल टू क्या, 1 2 3 डॉट इक्वल टू क्या जाएगा, जीरो। दैट्स मीन किसी भी जंक्शन या नोड पर आने वाली तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ऐसा केसीएल किरचॉफ ने कहा। ठीक है, और किरचॉफ के इसी प्रकार के दो नियम बनते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं कि किसी जंक्शन पर आने वाली तथा जाने वाली समस्त धाराओं का योग शून्य होता है, या किसी जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है जाने वाली धाराओं के योग के। ठीक है, ऐसा केसीएल में कहा गया। ठीक है, और दूसरी चीज, एक पॉइंट हम बताना चाहेंगे, केसीएल किस कंजर्वेशन पे काम करता है, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो चार्ज ऑफ कंजर्वेशन, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन होता है, वैसे केसीएल किस पे काम करता है, चार्ज कंजर्वेशन पे। किस पे काम करता है, चार्ज कंजर्वेशन। बिकॉज क्यों, क्योंकि I इक्वल टू होता है DQ/DT। टी इज द टाइम वेरिएंट मतलब टाइम के हिसाब से करंट का, चार्ज का फ्लो होता है। ठीक है, तो क्यों क्या, चार्ज का वेरिएशन होगा, जो चार्ज जा रहा है इक्वल बराबर होते हैं, मतलब क्या हो रहा है, चार्ज का कंजर्वेशन हो रहा है। एनर्जी कंजर्वेशन में क्या कहा गया, भाई जो गया जो लिया दोनों बराबर, ना लॉस हुआ ना उपयोग। ठीक, अब बाकी हम लोग देखेंगे केबीएल। क्या देखेंगे, केबीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ में किरचॉफ ने कहा कि किसी भी विद्युत इन एनी क्लोज लूप सर्किट आर मेस इन ऑल वोल्टेज सोर्स आर EMF एंड
वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस इक्वल टू जीरो, ठीक है, आल समेशन ऑफ इक्वल टू जीरो, दैट मीन इन एनी क्लोज लूप आर मेस इन ए सर इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट, समेशन ऑफ आल ईएमएफ या वोल्टेज सोर्स एंड पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज ड्रॉप इन ए रेजिस्टेंस इक्वल टू जीरो। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी बंद परिपथ में वोल्टेज सोर्स तथा रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का योग, अल्जेब्रिक योग, बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है, बीजगणितीय योग शून्य होता है। हमारा ईएमएफ है एक, क्या है एक, सपोज दैट मान लीजिए एक ईएमएफ है ई वन, ई है, रेजिस्टेंस आर वन है, आर टू है, ये हमारा आर थ्री, ठीक है। तो मैं क्या कहा है, करंट आई जा रही है, ठीक है, तो किरचॉफ लॉ में क्या, एक क्या है, एक बंद परिपथ हो गया, ये क्या है, बंद परिपथ। इसमें हम अगर लगाएंगे किरचॉफ लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, ये हमारा आर टू है, आर वन, आर टू, आर थ्री, ठीक है, तो लिखेंगे क्या, मैंने क्या कहा कि इसमें केवल में कहा गया कि किसी भी बंद परिपथ में वोल्टेज सोर्स या ईएमएफ सोर्स एंड रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यही हमारा केवीएल है। तो हमारा ई हो गया, क्या हो जाएगा, आई ड्रॉप हो रहा है माइनस आई आर वन, अब आई यहाँ भी आएगा, आई यहाँ भी आएगा, आई यहाँ भी आएगा, माइनस आई आर टू माइनस आई आर थ्री इक्वल टू क्या, जीरो, समेशन क्या हो गया, जीरो। ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लिए। अगर ये इसी में ईएमएफ अगर कोई और रहता, सपोज उसका पोलरिटी ए पॉजिटिव रहता, ए नेगेटिव रहता, ये सपोज ई वन है, ए ई टू है, तो यहीं पे ए हो जाता ई वन, ई वन माइनस ई टू हो जाता, और माइनस आर वन माइनस आर माइनस आई आर वन और माइनस आई आर टू माइनस आई आर थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है फिर माइनस हो रहा है, ठीक है, प्लस से माइनस मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होना, और माइनस से प्लस जाना मतलब पोटेंशियल का इंक्रीज होना, ठीक है, वोल्टेज का इंक्रीज होना, ठीक है, इतना क्लियर। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, समेशन ऑफ ई आर वी, ईएमएफ सोर्स या वोल्टेज सोर्स, ई के इक्वल टू एन, एन इक्वल टू क्या, वन टू थ्री डट 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 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यही हमारा क्या है, केवीएल, ठीक है, क्लियर। हमें लगता आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि केवीएल में क्या कहा गया है। केवीएल के एक बार हम और भी डिफिनेशन बोल देते हैं, इन एनी क्लोज लूप सर्किट आर मेस इन ऑल समेशन ऑफ अल्जेब्रिक योग इन ए ईएमएफ आर वोल्टेज सोर्स एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या, जीरो, ठीक है। आर ऐसे समझ लीजिए, किसी भी बंद परिपथ में या मेस में बीजगणितीय योग, किसका बीजगणितीय योग, वोल्टेज सोर्स या ईएमएफ और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का योग इक्वल टू क्या, जीरो का, बट बीजगणितीय योग जीरो, ठीक है, क्लियर। विकास क्यों, क्योंकि हमारा एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है, क्लियर। और दूसरी चीज़ बताना चाहेंगे, जैसे कि केसीएल चार्ज ऑफ कंजर्वेशन पे वर्क करता है, हमारा केवीएल किस पे काम करता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे। एक किस पे काम करता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे, ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर आर ड्रॉप, अगर आई स्क्वायर आर लॉस होता रहा है, देखेंगे तो समेशन इक्वल टू जीरो या दिस इक्वल टू दिस, दोनों बराबर हो जाएंगे। एनर्जी कंजर्वेशन में यही कहा गया है ना, ऊर्जा नष्ट किया जा सकता है ना, ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है, दोनों ठीक है, बराबर ही रहता है। आज के लिए इतना ही, और किरचॉफ लॉ, करंट लॉ और केवीएल दोनों पे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ दो तीन न्यूमेरिकल देखेंगे कि कैसे केवीएल और केसीएल अप्लाई करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप लोगों को बताना चाहेंगे यूपीपीसीएल
यूपीपीसीएल में TG2 का फॉर्म भरना शुरू हो गया है ITI बेसिस पे, तो आप उसको फॉर्म को भरिए आप लोग। और हम कोशिश करेंगे कि 15 जुलाई से TG2 टेक्नीशियन ग्रेड के लिए हम एक नया बैच चलाएंगे, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक दोनों के लिए हम वीडियो डालेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि 15 जुलाई से हम अपना नया बैच स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।